हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का ये आठवां वीडियो। इसमें हम लोग मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 497 वां वीडियो है और आज 25 मई 2021। इसी वर्ष सितंबर में हमने वीडियो मेकिंग शुरू किया था। पहला वीडियो मैंने लगाया था 11 सितंबर को और आज 497वां वीडियो मैं लगा रहा हूँ 25 मई 2021 को। मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेटमेंट पढ़िए, लेट यू एफ एंड वी एफ बी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेसेस विथ ऑर्डर्ड बेसिस। बेसिस सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल BASES लिखते हैं, बेसिस, विथ ऑर्डर्ड बेसिस S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली, सो दैट डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू M, जितने बेसिस में वेक्टर्स हैं, डायमेंशन V इक्वल टू N, जितने बेसिस में वेक्टर्स हैं। लेट T फ्रॉम U टू V बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड T डैश फ्रॉम V डैश टू U डैश बी इट्स ट्रांसपोज, देन मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ T इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ T। फॉर द ट्रांसपोज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सी वीडियो नंबर 10 ऑफ द प्लेलिस्ट अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसपोज इन्वॉल्वड है ना, एडजॉइंट भी इसको कहते हैं। तो अगर इस समय आपको दिक्कत फील हो तो आप पहले इस वीडियो को देख लें, वीडियो नंबर 10 ऑफ द प्लेलिस्ट अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसपोज का शुरू में एक वीडियो देख लो, बस बेसिक ले लो, फिर इसको देखो। प्रूफ थोड़ा सा हैवी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हैवी। तो अब यू डैश वी डैश का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। यू डैश माने डुअल स्पेस ऑफ यू, वी डैश माने डुअल स्पेस ऑफ वी। तो फिर इसके पास डुअल बेसिस भी होंगे, इन बेसिस के पास इसका जो डुअल बेसिस होगा, ये यू का बेसिस है, यू के बेसिस का डुअल बेसिस यू डैश का बेसिस होगा। वी के, ये V का बेसिस है, V के बेसिस का डुअल बेसिस V डैश का बेसिस होगा। तो अपनी बातचीत की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। S1 S2 के लिए आइए डुअल बेसिस लिखते हैं। प्रूफ डुअल बेसिस से शुरुआत करिए। लेट B1 इक्वल टू करली ब्रैकेट, डुअल बेसिस में कौन होते हैं, लीनियर फंक्शनल्स होते हैं, जैसे कि U का डुअल स्पेस U डैश होगा। तो U डैश के बेसिस में कौन होंगे, U पर डिफाइंड लीनियर फंक्शनल्स होंगे। तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, लिखना है, समझना है। F1 कामा F2 कामा सो ऑन कामा FM, ये सबसेट है U डैश का। एंड B2 इक्वल टू करली ब्रैकेट G1 कामा G2 कामा सो ऑन कामा GN, ये सबसेट है V डैश का। B द डुअल बेसिस ऑफ S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली। यहां पे थोड़ा और स्पष्ट कर दें हम, देन B1 जो कि S1 का डुअल है और S1 बेसिस किसका है, U का। तो B1 बेसिस किसका हो जाएगा, U डैश का, डुअल स्पेस ऑफ U। B1 इज बेसिस ऑफ U डैश एंड B2 इज बेसिस ऑफ V डैश। ये दिमाग में रख के चल रहा है, जरा भी कंफ्यूजन ना हो, अभी इसको मिटाएंगे तो कोने में सब लिख लेंगे डेटा, ताकि दिक्कत ना हो। Now,
मैपिंग तो समझ में आ ही रहा है, टी फ्रॉम यू टू वी और टी डेज फ्रॉम वी डेज टू यू डेज। अल्फा आई हमने लिया एस वन से, अल्फा आई एस वन में है, इसलिए अल्फा आई एस वन किसका बेसिस है, यू का, तो अल्फा आई यू में भी होगा। और फिर यू टू वी टी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी अल्फा आई वी में होगा, इसलिए टी अल्फा आई वी के बेसिस के वेक्टर्स के यूनिक एलसी के रूप में लिखा जा सकेगा। एंड सो टी अल्फा आई इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ या वेक्टर्स ऑफ वी का बेसिस, वी का बेसिस कौन है, एस टू। लेट अस राइट, टी अल्फा वन इक्वल टू एस टू में बीटाज हैं, बीटाज की संख्या कितनी लिया था हम लोगों ने, एन, बीटा वन बीटा टू एंड सो ऑन बीटा एन। तो लिखिए भैया, ए वन वन बीटा वन प्लस ए वन टू बीटा टू प्लस सो ऑन प्लस ए वन एन बीटा एन। यहाँ वन है तो यहाँ वन, यहाँ टू है तो यहाँ टू, यहाँ एन है तो यहाँ एन, ठीक है ना। टी अल्फा टू, यहाँ पर एक बात थोड़ी सी आपसे हम और डिस्कस कर लें, चर्चा कर लें, फिर आगे बढ़ें। आराम से काम करना है, थोड़ा सा हेवी है प्रूफ। इसे जब मैट्रिक्स आप टी लिखोगे तो बीटा वन बीटा टू बीटा एन के इन कोफिशियंट्स को, स्केलर्स को किस में लिखोगे, कॉलम में लिखोगे। तो कॉलम कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ए वन वन ए वन टू सो ऑन ए वन एन ना। जबकि प्रायः मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम होता है वो डबल इंडेक्स नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है, ए वन वन ए टू वन एंड सो ऑन ए एन वन। ये तो यही थोड़ा सा अटपटापन है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं भी घबराएंगे नहीं, ठीक। तो एक मत ये है कि यहाँ पर हम स्केलर्स में डबल इंडेक्स नोटेशन इस तरीके से लें कि जब इन स्केलर्स को कॉलम में लिखें तो यही क्रम आवे, यही क्रम आवे। यानी कि ए वन वन तो ठीक है, ए वन टू ना लेके हम क्या लें, ए टू वन लें, ए वन एन ना लेकर के हम क्या लें, ए एन वन लें, ठीक। मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है कि इस तरीके के यहाँ पे सेटिंग तब करिएगा जब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन संदर्भ में हो। आपके इस कंटेक्स्ट में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर इन्वॉल्व्ड हो तब तो वो जरूरी है उस तरीके से लेना, अदरवाइज ऐसे जैसे हम फ्री हैंड लिख रहे हैं ऐसे आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब कई बार हम लिख रहे हैं, शुरू से ऐसे लिख रहे हैं, टी अल्फा टू इक्वल टू, अब टू से शुरू करिए, ए टू वन बीटा वन प्लस ए टू टू बीटा टू प्लस सो ऑन प्लस ए टू एन बीटा एन। एक जनरल जनरल ऐसी बिचवा में डाल दें, टी अल्फा आई, तो जैसे कि टू था तो टू वन टू टू, यानी पहला इंडेक्स टू रखा, अब पहला इंडेक्स आई रखेंगे, ए आई वन बीटा वन प्लस ए आई टू बीटा टू प्लस सो ऑन प्लस ए आई एन बीटा एन, फिर सो ऑन। और अल्फाओं की संख्या कितनी है, एम, तो लास्ट बनेगा टी अल्फा एम इक्वल टू ए एम वन बीटा वन प्लस ए एम टू बीटा टू प्लस सो ऑन प्लस ए एम एन बीटा एन। इन्हें नंबर वन कर दिया जाए। अब हम इस स्थिति में हैं कि मैट्रिक्स ऑफ टी लिखें, मैट्रिक्स ऑफ टी, ये टी अल्फा वन टी अल्फा टू कहाँ के एलिमेंट्स हैं, वी के, वी का बेसिस कौन है, एस टू, तो एस टू के रिलेटिव लिखाएगा, लेकिन हम सीधा सीधा ऐसे लिख दे रहे हैं। देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ टी इक्वल टू मैट्रिक्स
टी अल्फा वन के कोऑर्डिनेट्स को आप कॉलम में लिखिए, ए वन वन, ए वन टू, सो ऑन, ए वन एन। फिर टी अल्फा टू के कोऑर्डिनेट्स को लिखिए, ए टू वन, ए टू टू, सो ऑन, ए टू एन, सो ऑन। फिर लास्ट वाला लिखिए, ए एम वन, ए एम टू, सो ऑन, ए एम एन। ये रहा, ठीक। ये कॉलम वाइज लिखा गया है, इसको जताने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन कॉलम्स को कॉलम वेक्टर के रूप में सेट कर दें, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स, ताकि कन्फ्यूजन कहीं ना रहे। ये ऐसे लिखा गया है, इन स्केलर्स को ऐसे कॉलम में लिख दिया जाता है, आपको याद है, सब आपको ट्रेनिंग मैंने दिया है। तो एक स्टेप का काम ये हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ हम बातों को लिख लें। S1 इक्वल टू अल्फा वन कामा अल्फा टू कामा सो वन कामा अल्फा एम। ये बेसिस किसका है? U का। ये बेसिस U का है। S2 इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बीटा वन कामा बीटा टू कामा सो वन कामा बीटा एन। ये बेसिस है V का। T इज ए मैपिंग फ्रॉम U टू V। एक तो ये ग्रुप हो गया। इसके बाद T dash is mapping from V dash to U dash. B1 equal to F1 comma F2 comma so on comma. B1 S1 का dual basis है, तो B1 में उतने ही vectors होंगे जितने S1 में है। ये सब linear functionals हैं, और ये basis किसका है? U dash का। B2 equal to curly bracket G1 comma G2 comma so on comma GN, ठीक, और ये बेसिस है वी डेस का। इसके बाद टी अल्फा आई को भी हम लिखना चाहेंगे, जो हम मिटा दिए। टी अल्फा आई हमने लिखा भी नहीं, लेकिन हम अंदाज से लिख सकते हैं। टी अल्फा एम तो लिखा ही है, उसी में एम की जगह आई कर दें। ए आई वन बीटा वन प्लस ए आई टू बीटा टू प्लस सो ऑन प्लस ए आई एन बीटा एन। ये नंबर वन, ये जहाँ पर है वहाँ पे रिजल्ट नंबर वन पड़ा हुआ है। तो इतने रिजल्ट्स को हम इकट्ठा लिख दिए, ताकि जब जरूरत हो तो आपको ऐसे बता दें। आइए दूसरा स्टेप शुरू करें। आल्सो जी आई, ये सब वीडेस में होंगे कि नहीं? ये क्यों? क्योंकि ये वीडेस का बेसिस है, इसलिए सारे जी आई वीडेस में होंगे। ये मैपिंग है, वीडेस डोमेन है। अब टी डेस ऑफ जी डेस, दिस इंप्लाइज दैट टी डेस जी आई बिलोंग्स टू यू डेस, एंड सो। अब ये दिख रहा है ना, तो समझ में आएगा ना, ऐसे तो दिक्कत होती। एंड सो टी डेस जी आई इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू डेस का बेसिस, वेक्टर्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ यू डेस का बेसिस। यू डेस का बेसिस कौन है? बी वन। लेट अस राइट टी डेस जी वन इक्वल टू, क्या करना है समझ लीजिए, बी वन के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। एफ वन एफ टू एफ एम शुरू कर रहा हूं मैं। बी वन वन एफ वन प्लस बी वन टू एफ टू प्लस सो ऑन प्लस बी वन एम एफ एम, ठीक।
इसी प्रकार से टी डैश जी टू इक्वल टू बी टू वन एफ वन प्लस बी टू टू एफ टू प्लस सो ऑन प्लस बी टू एम एफ एम। बीच का एक एलिमेंट हम डालना चाह रहे हैं टी डेस जी आई, जैसे उसमें लिखे थे पहले वाले में टी डेस जी आई इक्वल टू टी डेस जी आई इक्वल टू। बी आई वन एफ वन प्लस बी आई टू एफ टू प्लस सो ऑन प्लस बी आई एम एफ एम एंड सो ऑन। और जीज की संख्या कितनी है एन, जी वन जी टू जी एन, तो लास्ट लिखाएगा टी डैश जी एन इक्वल टू बी एन वन एफ वन प्लस बी एन टू एफ टू प्लस सो ऑन प्लस बी एन एम एफ एम। और इसे आप नंबरिंग कर लें टू। तो यहाँ पर इस टू को भी हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये है टी डैश जी आई, टी डैश जी आई इक्वल टू बी आई वन एफ वन प्लस बी आई टू एफ टू प्लस सो ऑन प्लस बी आई एम एफ एम। हम इसी पे नंबर टू डाल दे रहे हैं जबकि ये पूरा टू है, पूरा कहाँ से लिखेंगे इतना मोटा ना, एक एक लिख ले रहा है बस जनरल जनरल वाला। तो अब हम टी डेस की मैपिंग लिखने लायक हो गए, तो टी डेस की मैपिंग लिखा जाए। ओए मिटा दिया, कोई बात नहीं, मैं अपनी शीट से देख ले रहा हूं। देयरफोर मैपिंग ऑफ टी डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स, और फिर वही कॉलम सब आपको लिखना है बी वन वन बी वन टू सो ऑन बी वन एम। ये पहला कॉलम है कोऑर्डिनेट वेक्टर, फिर बी टू वन बी टू टू सो ऑन बी टू एम, ये दूसरा कॉलम है। ठीक, और आखिरी कॉलम बी एन वन बी एन टू सो ऑन बी एन एम, ये रहा। टी का मैट्रिक्स हम लोग लिख दिए, टी डेस का मैट्रिक्स हम लोग लिख दिए। अब हमको सिद्ध करना है कि टी डेस का मैट्रिक्स बराबर टी के मैट्रिक्स का डैश मान ट्रांसपोज। अब उसकी बातचीत शुरू होने जा रही है, दोनों को कनेक्ट करने जा रहे हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ टी डैश जी आई ऑफ अल्फा जे इक्वल टू जी आई ऑफ टी अल्फा जे, ये डेफिनेशन है। इसी के लिए मैं कह रहा था ना, वीडियो नंबर 10 ऑफ द प्लेलिस्ट अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस देख करके तब इस वीडियो को देखिएगा। इक्वल टू जी आई टी अल्फा जे की वैल्यू, ए टी अल्फा आई की वैल्यू है ना आपके पास, इसी में आई की जगह जे रख दो। ए जे वन बीटा वन प्लस ए जे टू बीटा टू प्लस सो ऑन प्लस ए जे एन बीटा एन, ऐसे लिख करके यहां पे लिख दीजिए बाई वन। या जी आई लीनियर है इसलिए लीनियरिटी को प्रिजर्व कराइए। दिस विल बी ए जे वन जी आई ऑफ बीटा वन प्लस ए जे टू जी आई ऑफ बीटा टू प्लस सो ऑन प्लस ए जे एन जी आई ऑफ बीटा एन।
G1, G2, G3, G4 ये सब लीनियर फंक्शनल्स हैं। तो लीनियर फंक्शनल ये ड्यूअल बेसिस के वेक्टर्स हैं। तो ड्यूअल बेसिस का डेफिनेशन है ना कि मान लीजिए कि ये सब डू हैं, तो इसको डिफाइन करते हैं एफ आई ऑफ अल्फा जे इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा आई जे। तो ऐसे ही तो ये भी डिफाइन होगा जी आई ऑफ अल्फा जे इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा आई जे। इक्वल्स टू ए जे वन क्रोनेकर डेल्टा आई वन प्लस ए जे टू क्रोनेकर डेल्टा आई टू प्लस सो ऑन प्लस। तो देखो क्रोनेकर डेल्टा में जो दूसरा इंडेक्स है वही वेरी कर रहा है, यहाँ वन है यहाँ टू है। तो जब ये आई होगा तो क्रोनेकर डेल्टा आई आई वाला टर्म बस बचेगा, बकिया डिस्टिंक्ट होने पर सब जीरो हो जाएगा। तो एक टर्म बीच का वो वाला डाल दीजिए क्रोनेकर डेल्टा आई आई, और उसके पहले क्या लिखेंगे आप देखो, ये देख लो उसको ए जे और ये वाला ए जे आई प्लस सो ऑन प्लस लास्ट वाला लिख दीजिए ए जे एन क्रोनेकर डेल्टा आई एन। तो सिर्फ इस लिखावट में इस एक्सप्रेशन में एक जगह आपने इन दोनों इंडिसेस को इक्वल रखा है, इसका मतलब अन्य जगहों पे अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट है, सब जीरो हो जाएंगे। जीरो प्लस जीरो प्लस सो ऑन प्लस ए जे आई प्लस सो ऑन प्लस जीरो इक्वल टू ए जे आई, ये आ गया। इसकी नंबरिंग कर ले 3, इसे हम यहां लिख दे रहे हैं टी डैश जी आई ऑफ अल्फा जे इक्वल टू जी सॉरी ए जे आई, ये हो गया नंबर 3। ठीक समझ लिया ना, मिटाते अब आइए 3 के बाद फिर अब चौथी किस्त। सिंस यू एफ इज अ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस एंड एस वन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट अल्फा वन कामा अल्फा टू कामा सो वन कामा अल्फा एम इज एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ यू ये सिंस हटा दीजिए या नाउ लिख दीजिए नाउ यू एफ इज ए फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस एंड एस वन इज एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ यू लेट एक्स वन कामा एक्स टू कामा सो वन कामा एक्स एम बी एम स्केलर्स इन एफ बी एम स्केलर्स इन द फील्ड एफ देन देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक लीनियर फंक्शनल एफ फ्रॉम यू टू एफ सच दैट f of alpha j equal to xj, j equal to 1, comma 2, comma so on, comma m। इस रिजल्ट को नंबरिंग करिए 4, और फिर यहां मैं लिख रहा हूं f of alpha j equal to xj नंबर 4। इसके लिए फॉर दिस रिजल्ट ये जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यह एक थ्योरम है जो आप प्रूव कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसी प्लेलिस्ट में, मैं अब उसको याद दिला दे रहा हूँ। फॉर दिस रिजल्ट सी
वीडियो नंबर 5 ऑफ एलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स, एलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स ऐसा ये रिजल्ट पूरा। चलिए भाई, 4 स्टेप का काम हुआ, थोड़ा प्रूफ भारी है, घबराइएगा मत। नेक्स्ट, लेट एफ बी अ लीनियर फंक्शनल ऑन यू, दैट इज लेट एफ बिलोंग्स टू यू डैस, यू डैस डुअल स्पेस ऑफ यू है, तो इसमें कौन होगा, ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन यू। That is, f belongs to u dash का basis, यहां देख लो u dash का basis b1 है, तो f belongs to l of b1, then ये हम लिटिया रहे हैं ना, मान रहे सच दैट, इस प्रकार से कि जब f को b1 के वेक्टर्स के lc के रूप में लिखने चले तो जिन स्केलर्स की जरूरत पड़ी वो स्केलर सम ले लिए, यही x1 x2 xm, सच दैट f इज इक्वल टू x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस सो ऑन प्लस xm fm, दैट इज f इक्वल टू सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 टू m xj fj, then by 4 xj की जगह f अल्फा j लिख दो, f इज इक्वल टू सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 टू m f अल्फा j fj, then by 4 तो लिखा ही हुआ, जहां xj लिखा था वहां f अल्फा j हमने लिख दिया। इसे कहिए रिजल्ट नंबर 5, एफ इक्वल टू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 टू एम एफ ऑफ अल्फा जे एफ जे नंबर 5। हाँ, इतने रिजल्ट सब एक सामने होने चाहिए तभी सब चीज समझ में आएगा ना। ठीक, इतना क्लियर। अब हम समझा रहे हैं तो समझ में आएगा ही, लेकिन अगर इसको पूरा प्रूफ आपको लिखना पड़ेगा तो आपको दिक्कत होगी, जब तक लिख लिख के खूब अभ्यास नहीं करिएगा। रिजल्ट नंबर 5 तक हम पहुंच चुके हैं। सिंस जी डे सॉरी टी डेस जी आई बिलोंग्स टू यू डेस, ऐसे समझ ही नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही यहां देखोगे तो आपके समझ में आएगा। वी डैश से आपने लिया किसको, जी आई को, और फिर टी डैश इमेज ऑफ जी आई बिलोंग्स टू यू डैश, यही लिखा हुआ, यही फायदा है इसको लिखने से। देयरफॉर बाय वर्चू ऑफ माने के अधिकार से, बाय वर्चू ऑफ द रिजल्ट 5 वी है, ये रिजल्ट एक लिखा हुआ है, ये जो f है इधर यहां पर है, और इसमें ये f क्या चीज है, ये f u डैश का एलिमेंट है, ये f लीनियर फंक्शनल ऑन u है, यानी u डैश का एलिमेंट है, माने u डैश का कोई भी एलिमेंट हम ले लें f जैसा, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए f f। अब यही टी डेस जी आई को हम एफ की जगह फिट कर दें, इसीलिए हमने लिखना ना कि इस रिजल्ट के अधिकार से टी डेस जी आई इज इक्वल टू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम वन टू एम, एफ की जगह
टी डेस जी आई ऑफ अल्फा जे और फिर एफ जे, इक्वल्स टू नंबर तीन को देखिए, ये देखिए टी डेस जी आई ऑफ अल्फा जे की जगह हम क्या लिख दें, ए जे आई लिख दें, तो हो जाएगा सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम वन टू एम, ना ना ये लिखने में चूक हुई है नंबर तीन, ये सिग्मा भी था इसमें, मैं देखता हूँ चेक करता हूँ नंबर तीन कहाँ है भाई, नंबर तीन में नहीं नहीं सिग्मा नहीं था, ऐसे ही था, यही था, तो ठीक है फिर फालतू कंफ्यूजन हो रहा था। अब इसकी जगह हम क्या लिख दें, इतने हिस्से की जगह पर, इतने हिस्से की जगह पर हम लिख दे रहे हैं ए जे आई और एफ जे, ठीक। इसे आप लिखिए रिजल्ट नंबर सिक्स और लॉजिक लिखिए बाई थ्री। इसे भी मैं लिख लेता हूँ, टी डेस जी आई इज इक्वल टू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम वन टू एम ए जे आई एफ जे नंबर सिक्स, ऑल्सो फ्रॉम टू, ऑल्सो फ्रॉम टू, वो टू लिखा हुआ है, टी डेस जी आई इसी की वैल्यू एक और मिलने जा रही है, दोनों वैल्यूज को हम बराबर कर देंगे, टी डेस जी आई इक्वल टू बी आई वन एफ वन प्लस बी आई टू एफ टू प्लस सो ऑन प्लस बी आई एम एफ एम, सिग्मा में ढालिए इसको, देखो आई 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 फिक्स्ड है, यही सेकेंड वाला वेरी कर रहा है, इसकी जगह जे डाल दो, सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम वन टू एम बी आई जे एफ जे नंबर सेवन, सिक्स और सेवन का लेफ्ट हैंड साइड समान है, अब इसको नहीं लिख रहे, ये तो लिखा ही हुआ है, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर किया जाए। फ्रॉम सिक्स एंड सेवन ये हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि अब बस हम कंक्लूजन स्टेप है, फ्रॉम सिक्स एंड सेवन, ठीक। सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम वन टू एम ए जे आई एफ जे इक्वल टू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम वन टू एम बी आई जे एफ जे, दिस इंप्लाइज दैट ए जे आई इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे, जो भी वेरिएशन है, नंबर आठ। नाउ टी डेस की मैट्रिक्स लिखिए जो आप पहले से लिखे हुए हैं, क्या था बी वन वन बी वन टू सो ऑन बी वन एन बी वन एम, ये था, और दूसरा कॉलम बी टू वन बी टू टू सो ऑन बी टू एम, और इनवा कॉलम बी एन वन बी एन टू सो ऑन बी एन एम, यही था। अब इसका इस्तेमाल करिए, हर बी आई जे ए जे आई लिखा जाएगा, तो लिख डालिए इक्वल टू मैट्रिक्स बी वन वन को क्या लिखें ए वन वन, बी वन टू को क्या लिखें ए टू वन सो ऑन, बी वन एम को क्या लिखें ए एम वन,
इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ आई जे है तो यहाँ जी आई है, ऐसे ही सेकंड कॉलम भी चेंज करिए, ये हो जाएगा A12, A22, सो ऑन, AM2, ये कॉलम हो जाएगा A1N, A2N, AMN, और यहाँ पे लॉजिक लिखिए बाई रिजल्ट 8, ऐसा। क्या ये मैट्रिक्स टी का ट्रांसपोज है? हाँ, अब जगह नहीं हमारे पास, फिर मिटा के लिखना पड़ेगा। इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स टी डेस इज इक्वल टू, यही है। इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले कॉलम को पहली रो बना दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा A11, A21, सो ऑन, AM1, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दे रहे हैं। A12, A22, सो ऑन, AM2, और इस आखिरी कॉलम को आखिरी रो बना दे रहे हैं। 1N, 2N, MN, और इस पे हम ट्रांसपोज लगा दे रहे हैं। बोलो ठीक है कि नहीं? ट्रांसपोज लिखने का ही तो तरीका है भाई, पहले कॉलम को पहला रो बना दिया, दूसरे कॉलम को दूसरा रो बना दिया, और nवें कॉलम को nवां रो बना दिया। बोलिए ठीक? और आप अब चेक कर लीजिए, ये जो लिखा हुआ यही मैट्रिक्स टी है। 1 1 1 2 1 n 2 1 2 2 2 n, इसे कॉलम वाइज लिखा तो है। इस मैट्रिक्स का आप जब ट्रांसपोज करोगे तो यही तो आएगा। एंड दिस इज मैट्रिक्स टी का ट्रांसपोज, यही प्रूफ करना था बच्चा। थोड़ा हैवी प्रूफ है इसका, लेकिन कठिन तो नहीं है। दो तीन बार लिख लिख के अभ्यास करोगे, एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा, हाथ सर 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 लिखेगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ये मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ा रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो तो छोटा सा आर्टिकल होता है। मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के स्टडी में मैट्रिक्स किसी भी रूप में, किसी भी भाव में अगर इन्वॉल्व है, तो उन सभी मटेरियल को हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।